तो एक जो स्प्लेंडर गाड़ी है वो, उसमें एक दिक्कत तो हमेशा आती रहती है, स्प्लेंडर डीलक्स पैशन कोई भी गाड़ी हो, उसके अंदर जो टाइमिंग सेन है उसकी दिक्कत बार बार आती रहती है। वो प्रॉब्लम जो है वो कॉमन है हीरो की गाड़ी के अंदर। तो ऐसे में हम जेनुअन टाइमिंग किट जो है वो भी डालते हैं, तो वो भी जो उतना असली परफॉर्म नहीं करती हो। तो मैं खुद यहाँ पे जो मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैं अपनी स्प्लेंडर गाड़ी के अंदर कोई भी कस्टमर आता है तो उसको मैं जो एसटीएन ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। इसका रेट जो है वो भी जेनुअन के मुकाबले थोड़ा कम है, जो परफॉर्मेंस है वो भी अच्छी देखने को मिलती है जेनुअन के बराबर। दोनों जो टाइमिंग किट है वो स्प्लेंडर में लगने वाली है, एक एसटीएन की है जेनुअन, यहाँ पे भी लिखा हुआ है। इसकी लिस्ट एमआरपी लिस्ट यहाँ पे देख ले आप, तो यहाँ पे 350 इसकी जो एमआरपी है ये है एसटीएन की। और जो जेनुअन के अंदर हीरो के अंदर हम जाएंगे तो इसके अंदर जो एमआरपी आप यहाँ पे देख सकते हैं 450 रुपये। दोनों में प्राइस का डिफरेंस तो है 100 रुपये का। 100 रुपये जो जेनुअन है वो महंगी आती है, 100 रुपये ये एसटीएन सस्ती मिलती है। तो प्राइस के डिफरेंस के साथ साथ इसमें और एक डिफरेंस है, वो मैं आपको इसको अनबॉक्स करके बताने वाला हूँ। देखो इस तरीके से पैकिंग हमें मिलता है, क्या क्या चीज जो पार्ट्स है वो इसके साथ मिलते हैं वो आपको मैं इसको अनबॉक्सिंग करके दिखाता हूँ। देखो मैं आपको एक एक चीज है उससे आपको रूबरू कराऊंगा। देखो ये स्प्रिंग है वो आप जानते हैं, टेंशन स्प्रिंग है ये, जो टाइमिंग को टाइट रखती है। इसके अंदर जो चेन है वो मॉडिफाइड चेन मिलती है। देखो आप किस तरीके से है। जो जेनुअन है उसके अंदर हमें जो चेन है वो पतली मिलती है, आप यहाँ से देख सकते हो, थोड़ा सा फोकस करिए। देखो आप देखिए ये चेन डायमंड की है, थोड़ी सी पतली मिलती है इसके मुकाबले जो एसटीएन के अंदर। देखिए इसकी क्वालिटी एकदम मोटी चेन मिलती है, तो ये एक मुझे इसका प्लस पॉइंट लगा एसटीएन का। बाकी आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, एक ये चेन मिलता है, ये स्प्रिंग मिलती है, अभी एक ये पंप की गरारी मिलती है। देखो इसकी क्वालिटी आप कैमरे में नहीं फील कर पाओगे, अगर हाथ में पकड़ोगे तो मुझे ये टॉप नोच इसकी क्वालिटी लगी एसटीएन की, मतलब बिल्कुल जेनुअन की तरह है ये। देखिए ये पंप की गरारी है, ये इसका रोलर जो हमारे सिलेंडर में लगता है, ये चेन के ऊपर इसके ऊपर ड्राइव करते हैं ये रोलर। इसकी क्वालिटी भी मतलब रबर की, जो आप देखो फ्लेक्सीबिलिटी आप इसकी एक बार देख लीजिए, मतलब काफ़ी अच्छा है। ये भी जो इसका ये टेंशनर जो रोलर है, इसकी क्वालिटी भी काफ़ी बेहतर है, बिल्कुल जेनुअन की तरह। ये अब ये हमें जो मेन गरारी है जो ऊपर कैम शाफ्ट में लगती है वो, ये भी बिल्कुल मतलब जेनुअन की तरह ही है। यहाँ पे टाइमिंग का एक डोट भी दिया हुआ है, ये भी है। अभी जो आगे से निकलने वाले है वो तो मतलब उसका क्या ही कहना, मुझे इसी वजह से ये जो एसटीएन कंपनी है वो इतनी ज़्यादा पसंद है। ये देख सकते हैं ये कोई कंपनी इसके साथ नहीं देती। ये जो रोलर है हेड में, सॉरी सिलेंडर में लगने वाला, उसका ये बोल्ट है, उसका ये वॉशर भी आप देख सकते हैं एल्यूमिनियम का, दोनों साथ मिल जाते हैं। ये कोई जो मैकेनिक है ये टाइमिंग के साथ इसको चेंज करना रहता है, लेकिन जो मैकेनिक है वो चेंज नहीं करता, और यहाँ से ऑयल लीकेज की प्रॉब्लम जो हमें आती है, तो ये इस तरीके से कुछ फिटिंग होता है, इसके ऊपर रोलर जो है वो ड्राइव करता है। ये मतलब काफ़ी इसका अच्छा प्लस पॉइंट है। और अभी दो चीज़ें बाकी हैं, अभी पूरा नहीं हुआ, आप देख सकते हैं। ये है इसका जो ऊपर के बोल्ट, 8 नंबर के बोल्ट जो कैम शाफ्ट में हमें यहाँ पे फिटिंग लगते हैं। देखो ये बोल्ट भी जेनुअन के साथ नहीं देखने को मिलते, ये बोल्ट हमें टाइमिंग सेन के साथ चेंज कर देने चाहिए। और ये रबड़। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे। थैंक यू।